Shrimannarayana Narayana Narayana Shriman Narayana Shriman Narayana 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 Lakshmi Narayana 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 Yena Lakshmi Narayana 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 Yena Sriman Narayana 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 Yena Sadguru Narayana 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 Yena Sadguru Narayana 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 Sadguru Yena Sriman Narayana 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 Sriman Yena Rama Narayana 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 Yena Rama Narayana 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 Yena Krishna Narayana 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 Krishna Yena Krishna Narayana 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 Yena Sriman Narayana 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 Yena Sriman Narayana 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 Yena Sriman Narayana 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 Yanamulo Bhakta Vatsala Bhagavan ki Sadguru Deva Bhagavan ki Sri Vrindavan Vihari Lal ki Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jeevandhan Sri Priya Pritam Lal ke Yugal Pavan Pavitra Charanarvindon mein Sashtang Pranipat Paramadrani Pratashmarani Anantasri Samalankrit Sri Sadgurudev Bhagavan ke
युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद, भगवत कथानुरागी भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के उस दिव्य वातावरण में चलें जहाँ रात्रि काल है और बाबा के भवन में, बाबा के ही पर्यंक में हमारे श्री उद्धव जी महाराज विराजमान हैं और उद्धव जी महाराज के सन्मुख हमारे बाबा कुछ अपनी बात कह रहे हैं। मैं निवेदन करूं, वैसे तो प्रेम की गति ही बड़ी अटपटी होती है, अहिरेव गति प्रेमणा, प्रेम की गति सर्प के समान होती है। आपने कभी सर्प को चलते हुए देखा होगा, वो सीधा नहीं चलता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। ऐसे प्रेम की भी गति बड़ी अटपटी है। संस्कृत में एक ग्रंथ है, उसका अनुवाद हमारे कागजी ने किया है, जिस ग्रंथ का नाम है प्रेम पत्तनम, प्रेम नगर। उस प्रेम नगर के राजा मधुमेचक हैं और मधुमेचक नाम के राजा ने ब्याह किए हैं दो, एक शास्त्राभ्यास की बेटी मती से ब्याह किया और दूसरा ब्याह उन्होंने रति से ब्याह किया, किंतु रति का प्रभाव ऐसा चला कि उसने मती को घर से बाहर निकाल दिया। बात भी सच्ची है, जहां रति अपने जीवन में प्रभावित होती है फिर वहां मती काम करती नहीं है। और रति महारानी ने, बड़ा विलक्षण ग्रंथ है वो, रति महारानी ने प्रेम नगर के 64 कानून बनाए और कानून भी बड़े विलक्षण हैं। वहाँ धर्म अधर्म है, अधर्म धर्म है, वहाँ झूठ बोलना महिमावान है, सत्य बोलना महिमावान नहीं है उतना, वहाँ कह करके मुकर जाना, हाँ कह के ना कह देना, उस प्रेम नगर के कानून हैं सारे, विलक्षण कानून हैं उस प्रेम नगर के। उसमें कोई गति नहीं है इस प्रकार की कि कोई वहाँ विशिष्ट कानून इस प्रकार का हो कि यही करना है। तो प्रेम की दशा का ही मानो उस नगर के माध्यम से, प्रेम पत्तनम के माध्यम से वर्णित किया गया है और बाबा लगता है आज उसी नगर में बैठे हुए हैं, उसी भाव भंगिमा में डूबे हुए हैं। कल हम लोग सब श्रवण कर रहे थे कि जब श्री उद्धव जी महाराज ने कहा कि बाबा तुम अपने प्रकोष्ठ में बैठे रहते हो, अपने घर में बैठे रहते हो और यहाँ उनकी स्मृतियाँ समाई हुई हैं, तो बार बार श्री कृष्ण की स्मृति कर कर के आप रोते रहते हो, थोड़ा घर से बाहर निकला करो, कभी यमुना किनारे चले जाया करो, कभी गिरिराज जी महाराज की तलहटी में चले जाया करो और कभी कभी जा कर के वन में घूम आया करो। बाबा के अश्रु भराए, बोले उद्धव तुम नहीं समझ सकते हो, ब्रज का एक भी ऐसा स्थान नहीं है चप्पा चप्पा श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। सरित छैल बनोद्देशान मुकुंद पदभूषिताम, चाहे वह यमुना का किनारा हो, चाहे वो श्री गिरिराज जी महाराज हो, चाहे वन का कोई चप्पा चप्पा हो, जहाँ हम जाते हैं वहाँ निश्चित रूप से मुकुंद के चरण चिन्ह ही दिखते हैं, मुकुंद के ही पदभूषित या धरा दिखती है। और ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर उन्होंने कोई न कोई लीला न की हो, कोई न कोई उन्होंने वहाँ लीला अवश्य की होती है
और उस लीला का स्मरण करते करते हमारा चित्त लीन हो जाता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और इतना ही नहीं, उस लीला का मैं यदि चिंतन करने लगता हूं तो मनोयाति तदात्मताम, सच कहें मन खो जाता है। ये तदात्मताम का अभिप्राय क्या है? ऐसी तादात्मता को प्राप्त होता है मन कि अब हम कहीं देखते हैं तो वहां हमको सरिता नजर नहीं आती है, हमको गिरिराज जी महाराज नजर नहीं आते हैं, हमको वृंदावन वन नजर नहीं आता है, हम जिधर देखते हैं उधर श्री कृष्ण ही कृष्ण नजर आता है। जित देखूं तित श्याममयी है, यहां श्याम के अतिरिक्त कुछ दूसरा नजर आता नहीं है। ऐसी तादात्मता प्राप्त हो जाती है, ऐसी तादात्मता प्राप्त हो जाती है कि मैं आपको क्या कहूं। और बाबा इसका चिंतन करते करते एकदम डूब गए। कल मैंने निवेदन किया था, सचमुच में ये ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली हैं। परमात्मा की तादात्मता प्राप्त हो इसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान लोग करते हैं, बड़ी बड़ी आराधना लोग करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं लोग करते हैं, और उसके बाद ये तादात्मता प्राप्त होती है। कहीं ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि जिधर हमारी दृष्टि जाए उधर बस वही वही नजर आए। हमारे संत लोग बार बार ठाकुर से प्रार्थना करते रहते हैं कि मैंने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, मेरी नाथ संभालिए प्यारे नंद किशोर, डोर आपके हाथ में रखिए इतना ध्यान, प्यारे तेरे दरस को तड़प रहे हैं प्राण, कान कान देकर सुनो, कान कान देकर सुनो मेरी विनती एक, श्रवणानंद वंदन करे दर्शन दे दो नेक। हे जीवन धन, यहां तो एक बार दर्शन की उत्कंठा है, एक बार जीवन की आशा यही है कि आपका दीदार हो जाए, एक बार आपका मुखारविंद इन आंखों से दिख जाए। और ये धन्य है ब्रजवासी, धन्य है बाबा कि महाराज इनकी बुद्धि ऐसी तादात्मता को प्राप्त है, ऐसी तादात्मता को प्राप्त है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें अब कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, उनके अतिरिक्त कहीं कुछ नजर ही नहीं आता है। ऐसी तादात्मता को प्राप्त हो जाता है चित्त। बाबा ने विचार किया ये तो बहुत ज्यादा चित्त डूब गया है, इसको कुछ निकालना चाहिए। वैसे तो जो मधुरोपासक संत हमारे हैं वह ऐश्वर्य को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देने देते हैं, और सचमुच में प्रेम में तो प्रेमाद्वैत ही होता है, प्रेमी को ऐश्वर्य भाता कहाँ है? आप जरी विचार कीजिएगा, प्रेमास्पद यदि बहुत सारे आभूषण पहन करके आ जाए तो प्रेमी को क्या आभूषण वो जचेंगे? उसको लगेगा ये बोझा कितनी दूर यहां से अलग हो तो कम से कम हम अपने प्रीतम को निरावरण तो निहार सकें। कई बार ऐश्वर्य अपने आराध्य के दर्शन में बाधक बन जाता है, इसलिए ऐश्वर्य का प्रवेश मधुर उपासना करने वाले संत, वात्सल्य रस की उपासना करने वाले संत ऐश्वर्य को प्रवेश नहीं होने देते हैं। यशोदा मैया को दुग्धपान कराते कराते श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया और माँ ने श्री कृष्ण के मुखारविंद में बड़ी बड़ी नदियां देखी, पहाड़ देखे, सरित देखे, ये सब देखने के बाद माँ ने अपनी आंखें बंद कर दी। सामील्य मृग सावाक्षी, मृग नैनी मैया ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली, जानबूझ करके आंखें बंद की, उनको लगा पता नहीं निगोड़ी आंखों को क्या हो गया है, ये लाला के मुख में गड़बड़ झाला नहीं हो सकता है, ये निश्चित रूप से हमारी आंखों का दोष है। मानो सामने ऐश्वर्य दर्शन हो रहा है, सामने ऐश्वर्य भगवान दिखा रहे हैं, किंतु तब भी
माने आंखें बंद कर ली। सामील्य मृग सावाक्षी, मैया ने कहा कि कन्हैया मेरे को तेरा ऐश्वर्य देखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारा यह वैभव वाला स्वरूप दिखे, क्योंकि यदि वैभव वाला स्वरूप दिख जाएगा तो निश्चित रूप से फिर क्या यशोदा मैया आंचल से लगाकर उसको दुग्धपान करा सकेंगी, क्या डांट सकेंगी? आप जरा विचार कीजिए, अगर ऐश्वर्य का माँ को बोध बना रहता तो माँ चटोरा कहकर श्री कृष्ण को डांटती नहीं, अदात्मन कहकर के नहीं बार बार डांटती, चटोरा कहकर के उनको नहीं कहती, अगर उनको ये बोध बना रहता कि ये परमात्मा है। डांटती हैं, बांध देती हैं, अंगुली दिखाती हैं, आंख दिखाती हैं, अगर उनको यह ऐश्वर्य का बोध बना रहता तो ये सचमुच में वात्सल्य रस प्रकट नहीं हो पाता। वात्सल्य रस प्रकट करना है तो निश्चित रूप से ऐश्वर्य बाधित तो होना चाहिए। कभी भी आप देखिएगा, इसलिए प्रेमी लोग अरे नारायण कहाँ तक कहें हमारी ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं, तो उनको द्वारिकाधीश कहने में भी उनको संकोच होता है, कहते द्वारिकाधीश हमारे लाला नहीं है, हमारे तो गोकुलेश हैं, वो गोपी के ही से हैं, गोकुल के ही से हैं, वो कोई दूसरे होंगे जो द्वारिका के ही से होंगे। तो निश्चित रूप से प्रेमी को ऐश्वर्य से लेना देना नहीं होता है, किंतु बाबा को लगा कि हमारा जो संबंध है जिसके कारण हम तादात्मता को प्राप्त हो रहे हैं और ये अतिथि आए हुए हैं, अतिथि के सामने यह चिंतन करते करते यदि हम बिलखने लगेंगे तो निश्चित रूप से अतिथि का सम्मान नहीं होगा, और अतिथि सोचेंगे कैसे व्यक्ति के पास आ गए हैं। तो बाबा ने अपने इस वात्सल्य रस को छुपाने के लिए, अपने लाला के प्रति जो भाव प्रगाढ़ हो रहा है उसको छुपाने के लिए उन्हें ऐश्वर्य की लीला का चिंतन किया। ऐश्वर्य का लीला का चिंतन इसलिए किया कि जो लीला का चिंतन करके हमारा चित्त डूब रहा था, अब उससे हमको निकलना है। बाबा कहते मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमो सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। मन्ने कृष्णम च रामम च, बाबा बोलते बोलते कहते मैं मानता हूँ। क्या मानते हो? बोले कृष्ण और राम को। क्या मानते हो कृष्ण और राम को? हमारे एक संत चरण तो कहते बाबा के मुख से, वैसे यदि वर्णन करना हो दो पुत्रों के बारे में किसी को कहना हो तो निश्चित ये है कि क्रम पहले बड़े भाई का नाम लेना चाहिए, बाद में छोटे भाई का नाम लेना चाहिए। किंतु राम कृष्ण का नाम लेते समय ये राम कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण राम बोलते हैं। इनके मुख से पहले राम नहीं निकलता है, पहले बाबा के मुख से निकलता है कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। कारण क्या है? बाबा की चित्तवृत्ति में कृष्ण ही भर गए हैं, तो जो चित्तवृत्ति में भरा होता है बार बार उसी का नाम निकलता है। आपने कई बार देखा होगा किसी घर में यदि किसी बालक दो हैं, अब प्रेम छोटे वाले से ज़्यादा है तो बुलाते बड़े को हैं और नाम लेते हैं छोटे का, बुलाना चाहते हैं बड़े वाले को और मुख से नाम किसका निकल जाता है? छोटे वाले का। कारण क्या है? जिसमें प्रीति ज़्यादा होती है बार बार नाम उसी का हमारे मुख से आता है, ये प्रीति का भी लक्षण है, बार बार उसका नाम हमारे मुख में आ जाए। और दूसरी बात ये जानते हैं कि हमारा कृष्ण जो है वो आकर्षण का तत्व है। आज जिस दशा में मैं पहुंचा हूं उसमें कृष्ण का ही हेतु है, उसने नाच करके, उसने गा करके, उसने मुस्करा करके हर ढंग से हमारे चित्त को चुरा लिया है। और राम तो ऐसे हैं, उनमें तो बड़े बड़े योगी लोग रमण करते हैं, रमनते योगिनो यस्मिन, राम तो बड़े बड़े योगियों के रमण के विषय हैं, अर्थात राम बड़े बड़े योगियों के मानस में आते हैं, बड़ी बड़ी धारणा करने के बाद, बड़े बड़े प्रार्थना करने के बाद, बड़े चिंतन करने के बाद। और हमारा कृष्ण,
तो ऐसा है कि तुम ना भी बुलाना चाहो तब भी आ जाता है, आप उसको ना भी बुलाना चाहो तब भी आ जाता है। हमारे एक संत चरण ने, पूज्य पंडित जी महाराज ने, पंडित जी महाराज माने पूज्य राम किंकर जी महाराज ने, उनके विचारों को वैसे कई जगह सब लोग पूरा सम्मान नहीं दे पाते हैं, किंतु पूज्य पंडित जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है, सील सिंधु राघव और माधुर्य मूर्ति माधव, बड़ा विशद कलेवर है। पूज्य पंडित जी महाराज ने दोनों का बड़ा विशद चिंतन किया है, और उस चिंतन को मैं पढ़ रहा था एक दिन, हमको तो उन महापुरुष से बहुत कुछ मिला है, उनकी कृपा से हमने आराधना भी की है, उनकी कृपा से साधना के कुछ पहलुओं की भी जानकारी हुई है, रामायण की भी कई विषयों की जानकारी उनके चरणों में बैठ करके की है, तो हमारा तो बहुत आदर है उनके प्रति। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि राम का जो अवतार है वो साधना में है, राम का जो अवतार है वो साधना में है, और श्री कृष्ण का जो अवतार है वो कृपा में है। कारण क्या है इसका? है तो दोनों अवतार भगवान के, किसी को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन छोटा कौन बड़ा ये कहना बड़ा अपराध है, किंतु प्रेम की दृष्टि से यदि चिंतन किया जाए तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं, अब देखो राम के प्राकट्य के मूल में रामचरितमानस से आदि यदि आप लें तो निश्चित रूप से साधना का बड़ा क्रम है। हमारे मन शत्रुपा जाकर के तीर्थवर नैमिष विख्याता, वहां जाकर द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपही सहित अनुराग, कितने वर्षों तक की वहां आराधना का प्रतिफल वर्णन किया गया है। उसके बाद भगवान का दर्शन होना और भगवान से वर मांगना, फिर वही मनुशत्रुपा जाकर के स्वर्ग निवास करना, उसके बाद में अवध में आकर के राजाधिराज श्री दशरथ के रूप में, कौशल्या के रूप में प्रकट होना, उसके बाद भी भगवान आए नहीं। आराधना का क्रम देखिए, उसके बाद भी गुरुदेव ने यज्ञ कराया, और यज्ञ करा करके यज्ञ की विधि से चरु प्रकट हुई, और चरु प्रकट होने के बाद उस चरु का भक्षण करने के बाद फिर परमात्मा का अवतार होता है। तो वहाँ साधना और वहाँ यज्ञ का वर्णन है, किंतु इधर कृष्णा अवतार में यदि आप ध्यान दो तो साधन करने की स्थिति में है भी नहीं, जेल में पड़े हुए हैं, वहाँ क्या यज्ञ होगा, साधन सारे के सारे बाधित हैं। तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण का अवतार कृपा में है, और करुणा में कृष्ण का अवतार है, साधनहीन को भी श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, साधनहीन से हीन व्यक्ति को भी श्री कृष्ण गले लगा लेते हैं। अब जरा विचार कीजिए, हिरणियाँ कौन सा साधन करने वाली हैं, ये वृक्ष कौन से साधन करने में सफल होने वाले हैं, किंतु सब पर करुणा करने वाले। तो महाराज कहा कि मैं मानता हूँ जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो करुणा के स्वरूप हैं, कृपा के स्वरूप हैं, और यदि वो यहाँ पर आए हैं तो ये भी मैं जानता हूँ कि सुरोत्तमौ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, एक टीकाकार ने ये अर्थ किया, सुरोत्तमौ का अभिप्राय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों में उत्तम हैं, इंद्रादि में तो उत्तम है ही, तीनों में उत्तम है, ये तीनों में श्रेष्ठ हैं, और तो फिर यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों यहाँ आए हुए हैं, आने का हेतु क्या है। बोले आने का हेतु तो ये सुराणाम महदार्थाय, देवताओं के कल्याण के लिए आए हैं, उनकी कामना पूर्ति करने के लिए आए हैं। गोपांगनाओं ने भी गोपी गीत में यही संकेत दिया कि आप तो विधाता की प्रार्थना से प्रकट हुए हो, मैं समझ गई कि आप नंदनंदन नहीं हैं, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये खे उदयीवान सात्वताम कुले। आप निश्चित रूप से गोपिका नंदन नहीं हैं, आप नंदनंदन नहीं हैं, तो हैं कौन आप? बोले कि ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रकट होने वाले, आप सबकी आत्मा में बसने वाले आत्मा राम ही हैं। खे उदयीवान, आप केवल प्रकट हो गए हो। तो महाराज यहाँ इसी बात को नंद बाबा मानो वर्णन करना चाहते हैं कि सुराणाम देवताओं की प्रार्थना से, और आप सब जानते ही हैं
कि जब महाराज पृथ्वी बहुत परेशान हुई, ये महद अर्थाय का अर्थ हमारे वंशीधर जी महाराज करते हैं, अपने विजय ध्वज तीर्थ जी महाराज करते हैं कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमात्मा आए हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए परमात्मा आए हैं। तो भागवत में स्पष्टम वर्णित ही है कि जब दुष्ट राजा धरा में बढ़ गए तो पृथ्वी ब्रह्मा जी महाराज के पास गई और ब्रह्मा जी महाराज देवताओं के लेकर के तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषा कपिम जा करके इन देवताओं ने महाराज प्रार्थना की और पुरुषम पुरुष सूक्तेन पुरुष सूक्त के द्वारा आराधना की गई परमात्मा की और उस आराधना के फलस्वरूप ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। तो कहा अच्छा ये बात आप किसके आधार पर कह रहे हो, क्या केवल अपनी मान्यता के आधार पर कह रहे हो? देखो भाई ध्यान रखना चाहिए, अपनी अनुभूति प्रमाण तो प्रमाण है, उसको भी निषेध नहीं किया जा सकता है, किंतु यदि स्मृति और श्रुति प्रमाण के आधार पर अनुभूति प्रमाण प्रमाणित न हो तो वह प्रमाणित नहीं है। तो निश्चित रूप से अपनी अनुभूति, हमारी तो अनुभूति ये है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे रामकृष्ण निश्चित रूप से देवताओं में श्रेष्ठ हैं और देवताओं की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं, किंतु इसमें हमारे पास प्रमाण भी है। प्रमाण क्या है आपके पास में? बोले गर्गस्य वचनम यथा, श्री गर्गाचार्य जी महाराज के वचन प्रमाण है, ये स्मृति प्रमाण, गर्गाचार्य जी महाराज के वचन प्रमाण है इसमें कि निश्चित रूप से परमात्मा ही हमारे घर में बालक बन करके आए हैं। और कहा कि प्रमाण की आवश्यकता और क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो तुम्हारे पास भी है। लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, कहा प्रत्यक्ष प्रमाण तो तुम्हारे पास भी है, तुमने भी देखा है। क्या देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण? बोले कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपतिम यथा। महाराज यहाँ हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने चारों को एक साथ अर्थ कर दिया, कंस में नागायुत प्राणम, कंस के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था कंस के शरीर में। और कथा आती है कि जिस समय कंस ने कुबलयापीड़ हाथी को, जो मदमस्त हो गया था, उसको पकड़ना बड़ा कठिन था, तो सहज ही उसको पकड़ करके कंस ने बांध दिया था। और जब कंस ने सहज ही बांध दिया, उसके बल को देख करके, प्रभाव को देखकर ही जरासंध ने अपनी अस्थि और प्राप्ति नाम की दो बेटियां उनके साथ ब्याह की थी, और उसी समय इसके बल को देख करके ही, बल की चर्चा सुन करके कि इतना बलशाली है कंस, एक राक्षसी आई और कंस को ललकारा और ललकार करके कहा कि तुम हमारे साथ युद्ध करो, क्योंकि हम अभी तक पहलवानों को ढूंढती रही हैं। कहा नाम क्या है तुम्हारा? बताया मेरा नाम पूतना है। अच्छा युद्ध क्यों करना चाहती हो? बोले युद्ध इसलिए करना चाहती है, यदि तुम हार गए तो तुम्हें दास बना लेंगी और यदि हम हार गई तो तुम्हें पति बना लेंगी, इसलिए हम तुम्हारे पास आई। कंस बड़ा बुद्धिमान था, उसने विचार किया कि इस बावरी ने दोनों तरफ से दास बनाना ही सोचा है, हारेंगे तब भी दास बनेंगे और जीतेंगे तब भी दास बनेंगे। तो उसने कहा कि एक काम करो, तो हमारी बहन बन जाओ और बहन बन करके ही हमारे पास में रहो। तो कंस के बल के प्रभाव से ही पूतना जैसी राक्षसी भी कंस के समीप बहन बन करके निवास करती थी। तो 10,000 हाथियों का बल कंस में भी था और 10,000 हाथियों का बल ये हमारा चाड़ूर और मुष्टिक में भी था। मल्लव शब्द का दोनों में आ गया, दोनों चाड़ूर और मुष्टिक, 10,000 दोनों में था और इतना ही इस हाथी में था। अभिप्राय 10 करो तो 4 हो गए, तो 40,000 हाथियों वाले बल वाले इन दुष्टों को, जिन्होंने लीला लीला में ही
खेल खेल में ही महाराज क्या किया इन्होंने, कंसम नागा युत प्राप्तम प्राणम मल्लव गजपतिम तथा, ऐसे बलशालियों को जिन्होंने महाराज बस में कर लिया, मार दिया। जरा विचार कीजिए, वो कोई सामान्य शक्ति वाला व्यक्ति होगा, सामान्य बल वाला व्यक्ति होगा, तो कई बार क्रियाओं से भी व्यक्ति के लक्षित होता है कि ये व्यक्ति के अंदर क्या बल है, कहाँ से आया है। तो निश्चित रूप से शास्त्र प्रमाण के द्वारा, ऋषि प्रमाण के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा और समाज की दृष्टि के प्रमाण के द्वारा यह पता चल रहा है कि निश्चित रूप से परमात्मा है। कारण क्या है कि इन्होंने ऐसे मारा है, अवधिष्ठाम लीलयैव, लीला लीला में, खेल खेल में, जैसे सिंह बड़े बड़े बलशाली हाथियों को क्रीड़ा क्रीड़ा में मार देता है। अब सिंह को कोई बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह सहज पुरुषार्थ से ही उनको मार देता है। ऐसे इन्होंने सहज पुरुषार्थ से मार दिया। अब ये श्री कृष्ण की जो ऐश्वर्य की लीला है, अभी स्वयं बाबा ने जब भूमिका प्रारंभ की थी, पूछना प्रारंभ किया था, तब स्वयं बाबा ने कहा था कि वो कंस अपने पाप से मारा गया, हमारे लाला ने कंस को नहीं मारा है। उस समय तो चित्त हृदय वात्सल्य रस में डूबा हुआ था, किंतु अब ऐश्वर्य रस इनके सामने प्रकट हो गया। कारण क्या है कि अगर ऐश्वर्य रस प्रकट नहीं होता तो बाबा फिर बोल नहीं पाते। बाबा का हृदय डूबता चला जा रहा था पुत्र भाव में, और ऐसे भाव में बह रहा था कि उसके बाद बोलना हो नहीं पाता, और यदि बोलना नहीं हो पाता तो अतिथि के सामने निश्चित रूप से लगता कि अपमान हुआ उनका, उनके सामने कुछ कह नहीं पाए। तो ऐश्वर्य की लीला अपने आप आकर के बाबा के मस्तिष्क में प्रकट होती है, और बाबा यह चिंतन करने लगते हैं और कहा कि सब की सब लीला देखो, जो कंसाद के उद्धार की लीला है ये मथुरा में हुई है, और मथुरा में होने के कारण वहाँ श्री उद्धव जी महाराज भी थे, तो श्री उद्धव जी महाराज ने भी अपनी आँखों से ये घटना देखी है। तो मानो कहना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी आँखों पर विश्वास न हो, हमारे हृदय पर विश्वास न हो, गर्गाचार्य जी महाराज के वचन पर विश्वास न हो, तो कम से कम अपनी आँखों पर तो विश्वास कर लो, अपने हृदय पर तो विश्वास कर लो कि ऐसा पुरुषार्थ का काम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे ढंग से असुरों का बल कोई सामान्य पुरुष नहीं मार सकता है, उनको कोई विशिष्ट पुरुष ही मार सकता है। और बाद में कहा कि तुमने ध्यान दिया है, तालत्रयम महासारम, महाराज तालत्रयम महासारम, 300 हाथ का, एक दो नहीं, तालत्रयम धनुष था जो भगवान शंकर का धनुष था, और जो भगवान शंकर का धनुष और भगवान श्री कृष्ण ने उसको कैसे तोड़ दिया, उदाहरण बड़ा रसीला दिया है। बोले ऐसे तोड़ दिया जैसे गन्ने के महाराज वृक्ष को कोई हाथी तोड़ देता है। अब जरा विचार करना, गन्ने को तोड़ने के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है क्या? पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, छुअत टूट रघुवती ने दोषु, वहाँ तो छूते ही टूट गया है, इसलिए रघुनाथ को कोई दोष है नहीं। अच्छा, वो भी भगवान शंकर का धनुष था, ये भी भगवान शंकर का धनुष है, वहाँ भगवान राम ने तोड़ा, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज ऐसे लीला में ही जैसे कोई हाथी गन्ने के वृक्ष को तोड़ देता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। तो बभंजई केन हस्तेन, एक हाथ से अर्थात उस धनुष को तोड़ने के लिए दूसरा हाथ भी लगाया नहीं। अच्छा, ये बभंजई केन हस्तेन, इसका अन्वय दोनों तरफ किया है, धनुष के साथ भी किया है और एक हस्तेन महाराज के, इसका अन्वय जब गिरिराज जी महाराज श्री ठाकुर ने उठाया तो सप्ताहम अधारयत गिरिम, एक ही हाथ से भगवान ने 7 दिन तक इतना बड़ा पहाड़ उठा करके रखा। अब जरा विचार करने लायक बात है, तुमने एक घटना देखी, मैंने एक घटना देखी,
तुमने धनुष तोड़ते हुए देखा जो इतना विशाल था, जिन्होंने एक हाथ से ही तोड़ दिया, और हमने भी एक घटना देखी है जो इतना विशाल पहाड़ और हमारा लाला 7 दिन तक अहर निश यह सप्ताहनो बाला क्व सप्ताहनो बालक क्व महाद्री विधारणम, 7 साल के श्री कृष्ण 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन तक उठा करके रखा है, अहर निश ठाकुर जी ने उठा करके रखा है। तो कहा कि जरा आप विचार कीजिएगा कि कोई सामान्य बालक काम कर सकता है? जो जो घटना बाबा उद्धरण दे रहे हैं, कोई सामान्य मनुष्य का पुरुषार्थ हो सकता है? अरे नारायण, सामान्य पुरुष तो 7 किलो के पहाड़ को भी 7 दिन तक लगातार एक हाथ से उठाकर रखने में समर्थ नहीं है, और कैसे बैलेंस बनाया होगा और कैसे उसको संवारा होगा? तो बाबा उसको आश्चर्य कहा, ये ईश्वर का ऐश्वर्य ही है। और इतना ही नहीं, लिस्ट वैसे तो क्रम नहीं है कोई लिस्ट की जिन जिन असुरों को मारा है। तो बाबा ने प्रलंब का नाम लिया, धेनुकासुर का नाम लिया, अरिष्टासुर का नाम लिया, तृणावर्त का नाम लिया, और बकादया, बकादया का अभिप्राय बकासुर और आदि से, और जिन जिन असुरों का भगवान ने वध किया, दैत्या सुरासुर जितो, ये जितने नाम लिए गए हैं, प्रलंब है, धेनुकासुर है, अरिष्टासुर है, तृणावर्त है और बकासुर है, ये कोई सामान्य असुर नहीं थे। गर्ग संहिता में आप लोग गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा जो वर्णित है, पढ़ने लायक है ग्रंथ। मुझे तो कई बार लगता है कि जिनको भागवत सुनते हैं उनको एक बार गर्ग संहिता भी सुननी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य गर्ग संहिता में श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़े रसीले ढंग से वर्णित किया है। तो इन असुरों का प्रभाव पता चलेगा, इनके पूर्व जन्म का भी प्रभाव पता चलेगा, केवल ये इसी जन्म के असुर नहीं है महाराज, बड़े बड़े पुरुषार्थी बलशाली असुर हैं। और इन असुरों ने ऐसा नहीं, बड़े बड़े दैत्यों को और बड़े बड़े देवताओं को भी हरा दिया था। जो बड़े बड़े देवताओं को हराकर दैत्याः सुरासुर जितो, असुराः सुरः जितः, असुरों को भी जीता है, सुरों को भी जीता है, और उन्होंने महाराज ऐसे ऐसे जिनको महाराज बलशाली लोग थे उन असुरों को भी इन्होंने केवल हता ए नहीं एने लीलाया, केवल खेल खेल में, कोई श्याम सुंदर को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, ना धेनुकासुर को मारने में पुरुषार्थ करना पड़ा, न तृणावर्त को मारने का पुरुषार्थ करना पड़ा, ऐसे ऐसे मार दिया है। सुखदेव जी महाराज ने वहाँ जहाँ जहाँ लीलाओं का वर्णन किया है, बकासुर की लीला का वर्णन करते करते कैसे वर्णन करते, जैसे कोई महाराज हाथी सामान्य सी शाखा को तोड़ करके फेंक दे, वृक्ष की डाली को वैसे मार करके फेंक दिया, इस प्रकार के ऐश्वर्य की लीला चिंतन करते करते बाबा का चित्त डूबने लगा। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदह कृष्णानुरक्त धी औत्कंठ्यो बभूत तूष्णीम प्रेम प्रश्रय व्यूहलः, इति संस्मृत्य संस्मृत्य। एक हमारे संत टीकाकार तो कहते हैं कि संस्मृत्य संस्मृत्य अर्थ दो बार का प्रयोग करने का अभिप्राय ये है कि कभी उनको वृंदावन की उनकी बाल लीलाएँ याद आने लगती हैं, कभी उनकी ऐश्वर्य लीलाएँ याद आने लगती हैं, और कई कई बार तो ऐसी ऐसी लीला, हमारे महर्षि तो कहते हैं कि जो जो लीला श्याम सुंदर ने की है सभी लीलाओं का दर्शन हमारे जीवन धन श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन बाबा को होने लगा, क्योंकि कृष्णानुरक्त धी उनकी बुद्धि कृष्ण के अनुराग राग में ऐसी रंगी कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त अब कुछ फिर नजर आना बंद हो गया। भगवान ने यशोदा मैया को तो ऐश्वर्य का दर्शन कराया ही दुग्धपान करते हुए भी और मृद वक्षण लीला में भी, किंतु अपने ऐश्वर्य का दर्शन श्री कृष्ण ने बाबा को भी कराया। हमारे एक महात्मा सुनाते हैं, कहा कि जिस समय श्याम सुंदर ने मृद वक्षण लीला के समय
यशोदा माँ को विश्व का दर्शन कराया मुख में, तो यशोदा मैया लकुटिया छोड़ कर के बाबा के पास दौड़ी और बाबा के पास जा कर के बोली, क्योंकि जब दुग्धपान करते करते दर्शन कराया था तो बाबा को जब इन्होंने बताया कि लाला के मुख में मैंने ऐसा गड़बड़ झाला देखा था, तो बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी निगोड़ी आँखों का दोष है। लाला के मुख में कुछ गड़बड़ झाला हो सकता नहीं है, तुम्हारी निगोड़ी आँखों का दोष है। तो यशोदा मैया को लगा कि अभी लाला मुख खोल रखा है तो कम से कम नंद बाबा को भी लेकर के आएँ और वो भी देख लें कि हमारी निगोड़ी आँखों का दोष है कि लाला का प्रभाव है। तो दौड़ करके यशोदा मैया बाबा के पास गई, मेहर मेहर मेहर, जल्दी चलो जल्दी चलो। बाबा ने कहा क्या बात है, बताया सारी बात कि लाला के मुख में सारा विश्व ब्रह्मांड नजर आ रहा है। बाबा मुस्करा करके बोले, मेहर ये लाला को कछु गड़बड़ ना है, ये तेरी निगोड़ी अवस्था को दोष है। जब 80 साल को कोई होए तो वाकई आँखन से ऐसी गड़बड़ झाला दिखाई पड़े। अब तेरी उम्र बढ़ गई है या वजह से लाला के मुख में तेरे को कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लाला के मुख में कुछ गड़बड़ झाला है ही ना है। मैया बिचारी लौट कर आई, तब तक कन्हैया ने मुख बंद कर लिया था। तो मैया चाहती थी कि कभी न कभी बाबा को ही अपना ऐश्वर्य का दर्शन कराएं। तो संयोग से क्या हुआ कि एक दिन एकादशी थी और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण का स्नान कराया। श्री कृष्ण को स्नान आदि करके महाराज पीढ़े पर बैठाल कर श्याम सुंदर जीवन धन के पैरों में महावर लगाया, पायजेब पहनाए, धोती पहनाई, करधनी पहनाई, गले में वैजयंती की माला डाली, दोनों हाथों में बाजूबंद धारण करा दिया, कंगन पहना दिया, निरंजन के आँखों में अंजन लगा दिया और गोरोचन का तिलक लगा करके श्री कृष्ण के सुंदर बालों को संवार करके मोर पंख का मुकुट धारण करा दिया। और धारण कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद कहा कि लाला आज बड़ी एकादशी है और बाबा व्रत करके बैठे हैं और अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहे हैं, ऐसो कर लाला तू इष्ट देवता के दर्शन कर और बाबा के साथ पूजन कर। हमारे लाला महाराज गए मंथर गति से जहाँ ठाकुर द्वार था, जाकर के बाबा को देखा कि बाबा शालिग्राम में विष्णु सहस्र नाम से तुलसी का अर्चन कर रहे हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, रामाय नमः। महाराज जब कर रहे थे, श्री कृष्ण भी हाथ जोड़ करके बैठ गए एकदम, जैसे बहुत बड़े भगत जी हैं, और बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने इनके हाथ में तुलसी दिया और कहा, लाला तू तुलसी चढ़ा और मैं मंत्र बोलूँ। हमारे जीवन धन तुलसी चढ़ाने लगे, बाबा मंत्र बोलने लगे, पाठ करने लगे। अर्चन चलता रहा। अर्चन पूरा हो जाने के बाद बाबा ने कहा, लाला तू बैठ, मैया ने भोग बनाए होगो और मैं भोग ले आऊँ। भोग लेने गए तो लाला ने विचार किया कि इष्ट देवता का को बोलें, जरा एक बार इष्ट देवता के अपने दर्शन करें। तो महाराज क्या किया, तुलसी हटाया। तुलसी हटाया तो गोल गोल शालिग्राम रखे थे। उन्होंने कहा, अच्छो गुलाब जामुन को नाम हो इष्ट देवता। और महाराज उठा करके अपने मुख में रख लिया। अब जो मुख में रखा तब तक बाबा आ गए। अब आ गए तो शालिग्राम निकाले तो नहीं जा सकते, क्योंकि निकालेंगे तो बाबा देखेंगे तो बाबा कहेंगे तूने इष्ट देवता को जूठा कर दिया, पिटाई और होगी। तो महाराज कमर की रीढ़ सीधी करके मुख फुला कर, क्योंकि मुख के अंदर शालिग्राम, अब निकलें कैसे, मुख फुला करके आँख बंद करके बैठ गए। बाबा ने भोग पधराया, तुलसी दल डाला, नाभ्या आसीदंत मंत्र बोला और मंत्र बोलने के बाद बाबा प्रार्थना करने लगे कि इष्ट देवता पाएं। तब तक देखा कि तुलसी दल इधर उधर हैं। बोले, लाला यहाँ कोई आयो? अब मुख में शालिग्राम तो कैसे कहें कोई ना आयो। तो महाराज अपनी गर्दन हलाए दी करके। बाबा ने कहा कि ये तुलसी किसने हटाया, तूने देखा? बोले बाद में देखा कि यहाँ कुछ गड़बड़ मामला है। बोले, लाला जो कुछ बोले महाराज वो गर्दन हिला हिला करके बोले। बाबा ने विचार किया, या छोरा से एक बात पूछो तो दो बतावे, और आज ये हनुमान जी बन करके बैठ गए मुँह फुलाए करके, कछु बोले ही ना है। तो महाराज तुरंत लाला की ठोड़ी में हाथ रख कर कहा, लाला तेरे मुख में क्या है खोल।
और जो खोला तो सारा विश्व ब्रह्मांड नजर आया। बाबा दौड़े वहां से, खम रोदसी ज्योतिरनी कमासाहा सूर्येन्दु बन्नी सुसनाम बुधिश्च, सब देख करके बाबा दौड़ कर गए रसोई घर में और कहा मेहर मेहर मेहर, जल्दी चलो जल्दी चलो। बोले क्या बात है? बोले पता नहीं लाला के मुख में क्या गड़बड़ झाला दिख रहा है। माँ समझ गई कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई, तो माँ हंस करके बोली या मैं लाला को दोष ना है, तेरी निगोड़ी अवस्था को दोष है, 84 साल के होए तब ऐसे ही दिखे। हमारी माताएं तो मौका ढूंढती, कभी मौका मिल जाए तो चूकने वाली नहीं। बोले तेरी निगोड़ी अवस्था को दोष है। बाबा ने कहा था अवस्था को दोष, तो कहा तेरी निगोड़ी अवस्था को दोष है। और जब तक बाबा लौट करके आए तब तक महाराज श्री जीवनधन श्री कृष्ण ने शालिग्राम निकाल करके रख दिया था, पधरा दिया था वहीं। सहज बाबा सब भूल गए, भगवान को निहार करके कुछ स्मृति रही ही नहीं। आज उन्हीं स्मृतियों को याद करते हैं, अरे उसने तो हमको विश्व विराट का दर्शन कराया था और हम तो पहचान ही नहीं पाए, हम तो दौड़ करके चले गए थे। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इस प्रकार से बार बार संचिंतन करने लगे और नारा नंदक कृष्णानुरक्त धी। उनकी जो बुद्धि है धी है, वो कृष्ण में इतने अनुरक्त हो गई, इतनी अनुरक्त हो गई। सच कहे ये श्री कृष्ण की अनुरक्ति का फल ये है। यहाँ श्री कृष्ण का यदि चिंतन करोगे, अब श्री कृष्ण है तो सांवरे, और कोई बुद्धि उनका ज़्यादा चिंतन करे तो जैसे जैसे सांवरे रंग का श्री कृष्ण का कोई चिंतन करता है तो महाराज वह उसका उसकी बुद्धि और दिव्य बन जाती है, भव्य बन जाती है, उसका कालापन निकल जाता है, उसका मैल निकल जाता है। तो मानो श्री कृष्ण का चिंतन करते करते बार बार उनके जीवन में जितनी लीलाएं घटी हैं वह सब आ रही हैं। तो आते आते क्या हुआ, इनकी मति इतनी पवित्र हो गई है, कृष्णानुरक्त भी हो गए। और इतना ही नहीं हुआ महाराज, इनके प्राण आकर के कंठ में लग गए। स्वाभाविक है कि जिससे कभी इतना प्रेम रहा हो कि वह आकर के वक्षस्थल में महाराज बैठ जाता हो, गोद में बैठ जाता हो, आकर के बाबा की दाढ़ी पकड़ता हो, आज उनकी स्मृति आते आते प्राण इतने विह्वल हो गए कि मानो लगता है कि आकर कंठ में लग गए। और अभो तूष्णीम, महाराज ये मौन हो गए, बोलना बंद हो गया। प्रेम प्रश्रय विह्वलः, ये प्रेम से विह्वल हो गए। ऐसा प्रेम प्रवाह हृदय में बढ़ा, उसने वाणी ही बंद कर दी। अब बोलने का भी सामर्थ्य चला गया, केवल उनका स्मरण हो रहा है। इधर क्या देखा कि यशोदा वर्णमानानी पुत्रस्य चरितानी च, अमर यशोदा मैया केवल मौन थी और मौन होकर के बाबा जिस पर्यंक पर बैठे थे उसी पर्यंक के नीचे बैठी हुई थी। और बाबा जो जो श्री कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे वह सुन रही थी। और जब बाबा डूब गए, कथा कहने वाला ही डूब गया तो श्रोता स्वाभाविक है डूबेगा। और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का लगभग रस लिया है। पुत्रस्य चरितानि च, ये परमात्मा का चरित्र नहीं सुन रही है मां, उनको लगता है ये हमारे लाला की कथा है, हमारे कृष्ण की कथा है, अपने पुत्र की कथा। वो यह सोच नहीं रही थी कि इसी परमात्मा की चर्चा सुनाई जा रही है, कोई जो देवताओं से में उत्तम है, देवताओं का कार्य संभालने के लिए जो आया हुआ है उसकी चर्चा हो रही है। उनको एक ही लगा कि मेरे कृष्ण की चर्चा हो रही है, पुत्र का चरित्र सुनाया जा रहा है। श्रृणवंती सुन रही थी, और सुनते सुनते उस हुआ क्या कि महाराज जैसे बाबा मौन हुए और यशोदा मैया की आंखें बरस पड़ी, अश्रु निकलने लगे
और अश्रु ही नहीं निकले, स्नेह स्नुत पयोधरा उनके वक्षस्थल से दुग्ध की धारा बहने लगी। माँ के स्नेह को तो महाराज वंदन करते हैं हम कई बार कि माँ का स्नेह इतना प्रबल है, इतना प्रबल है। आप कभी विचार कीजिएगा, कभी चिंतन कीजिएगा, जब श्री कृष्ण के शरीर की आयु 100 वर्ष की थी, लगभग 100 वर्ष नहीं 111 वर्ष, लगभग 111 वर्ष की जब शरीर की आयु थी, उस समय श्री कृष्ण से मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुई। और जब कुरुक्षेत्र में नंद और यशोदा की मुलाकात हुई है, आप कभी उस प्रसंग को पढ़िएगा भागवत के मूल में, तो वहां जब श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने अपने गोद में बैठाला, उस समय महाराज उस उम्र में जब श्री कृष्ण के शरीर की आयु 111 वर्ष की है, आप विचार कीजिएगा तो माँ की उम्र कितनी होगी। माँ कोई छोटी तो उम्र की नहीं थी, उस उम्र में भी यशोदा मैया के स्तन से दुग्ध की धारा बह पड़ी। उस समय भी यशोदा माँ के आंखों से आंसू बहे और छाती से कृष्ण के लिए दूध बहा। इस समय यदि दुग्ध बह पड़े तो क्या बड़ी बात है। स्नेह सुंत पयोधरा, महाराज ये देख करके तयोरिथ्यम भगवती कृष्णे नंद यशोदयो हो, जब श्री उद्धव जी महाराज ने इन दोनों की स्थिति देखी है, भिक्षानुरागम परमम, ऐसा अनुराग किसी का परमात्मा के प्रति है, ऐसा कोई श्री कृष्ण से प्रेम करता है ईश्वर से, इस अनुराग को देख करके महाराज आनंद से भर गए। बाबा उद्धव हमारे ब्रज में एक संत हुए, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, उनका बड़ा विलक्षण चरित्र है भक्तमाल में, बड़े विरही संत थे। हमने संतों से सुना है, पढ़ा भी है कि जब वह भगवान के विरह की कथा करते थे तो जितने श्रोता थे लगभग रोते थे, लगभग रोते थे, किंतु महाराज जी की आंखों से आंसू नहीं बहते थे, क्योंकि अगर वो बह जाएं तो फिर कथा कौन करेगा। किंतु विरह इतना होता था कि एक दिन किसी वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कर रहे थे और वृक्ष का पत्ता टूट करके गदाधर भट्ट जी के शरीर में गिरा, तो इतनी विरहाग्नि प्रबल थी शरीर में कि वो पत्ता शरीर का स्पर्श पाते ही जलकर राख हो गया। तो श्री गदाधर भट्ट जी महाराज की कथा में कोई व्यक्ति ऐसा आ गया जो भगवत कथा सुनकर के उसको आंसू नहीं आते थे, तो अगल बगल वालों को रोता हुआ देखता था तो उसको बड़ी लज्जा आती थी, उसको लगता था कि देखो सब लोग बिलख रहे हैं भगवत प्रेम में और मेरा हृदय इतना पत्थर का है कि उनकी चर्चा सुनकर के भी पिघलता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन महाराज आए तो साथ में पिसी हुई मिर्च लेकर आए, और जब सब लोग रोने लगे तो उन्होंने अपने मिर्च अपनी आंख में लगाया, और आंख में लगाया तो स्वाभाविक है कि आंसू आएंगे। किसी रसिक ने यह दृश्य देखा, संत की क्या दृष्टि होती है नारायण, किसी रसिक ने जब देखा ये तो आकर के कथा के बाद गदाधर भट्ट जी महाराज को कहा कि कोई ऐसा ढोंगी आता है कि मिर्च लगाता है आंखों में, तो महाराज रो पड़े, बोले मुझे उसके दर्शन करने हैं। कहा क्यों, क्या दर्शन करने हैं? बोले सचमुच में वो परम भक्त है, परम भागवत है, भगवान का स्मरण करके, भगवान का चिंतन करके यदि आंखों से आंसू न बहें तो ऐसी आंखों में तो मिर्च ही डालना चाहिए, वह ठीक करने वाला है, इसलिए हमको उसके दर्शन करने हैं। तो संत लोग महाराज किसी को विलखता देखें श्री कृष्ण प्रेम में, मैं आपको नारायण कैसे कहूँ, ठाकुर जी करें आपको इसकी अनुभूति हो कभी। मैं तो कहता हूँ इस विषय में कि संसार के जितने सुख हैं, जिन जिन सुखों का रस स्वादन हमने इस जीवन में किया है, जिन जिन सुखों की हमें अनुभूति है, हम सच्ची हृदय से आपको बात कह सकते हैं उसकी अनुभूति के आधार पर, उन सारे सब सुखों को
भगवत विरह के अश्रु में बहाया जा सकता है। भगवत विरह में जो अश्रु बहते हैं उसका जो रस मिलता है, जो उसको आनंदानुभूति होती है, मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया का कोई विषय उस वैसा सुख दे पाएगा। तो मैं कई बार सोचता हूं कि रोने में जब ऐसे महाराज आनंदानुभूति की अनुभूति होती है, तो जिनको श्री कृष्ण मिलते होंगे, जो बाहों में भर करके उनसे बात करते होंगे, वो किस रस में रोलते होंगे, वो वही लोग जाने। इसलिए श्री उद्धव जी महाराज बाबा की ये दशा देख करके भिक्षानुरागम परमम, इस परम अनुराग को देख करके उद्धव महाराज, उद्धव मुदा, उद्धव जी महाराज मन ही मन प्रसन्न हुए। किंतु किसी रोते हुए व्यक्ति के सामने प्रसन्नता जाहिर करना या उचित नहीं है। बाद में उद्धव ने धैर्य धारण करके अपनी बात, शास्त्र सम्मत बात, बाबा के सम्मुख रखी है। अब जो उन्होंने रखी उसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।